फ्रेंड्स इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है फ्रेंड्स, यदि आपके यूएन में दो या दो से अधिक कंपनियों का पीएफ अकाउंट ऐड है, वो आप सभी को किसी एक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, नो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट डिटेल फाउंड अगेंस्ट दिस यूएन दिखा रहा है, तो अब आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं इस वीडियो में इस एरर को पूरी तरह से हटा करके दिखाऊंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन यदि आपने स्किप कर दिया तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। यदि आप भी जानना चाहते हैं, वो लाभ उठाना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते रहिए, इससे आपको काफी हेल्प मिलने वाला है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम यूनिफाइड पोर्टल पे सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे होम, व्यू, मैनेज अकाउंट, ऑनलाइन सर्विसेज का, तो यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे जाएंगे और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएंगे। यहाँ पे हमें जाना है वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट पे। यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स, तो अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे नीचे की साइड आ जाना है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा स्टेप वन। स्टेप वन में आपको एम्प्लॉयर सेलेक्ट करना होता है। इसके लिए ऑलरेडी मैंने डीपली वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन एक इशू आ रहा है, उसके ऊपर हम यहाँ पे देखेंगे, चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ये इशू क्या है। देखिए गेट डिटेल जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पे शो हो रहा है, एरर आ रहा है, नो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट डिटेल फाउंड अगेंस्ट दिस यूएन। यानी कि यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है कि कोई भी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट इस यूएन के अगेंस्ट नहीं है, जबकि यहाँ पे जैसे ही ओके करेंगे और सर्विस हिस्ट्री में जाएंगे, व्यू पे जाएंगे और सर्विस हिस्ट्री पे जाएंगे, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है आपकी पहले से, जो भी आपने एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी, जितने कंपनियों में आपने काम किया, सारा एम्प्लॉयमेंट यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये जो इम्प्लॉई इनके दो कंपनियों में ऑलरेडी काम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एरर आ रहा है कि कोई भी इम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका जो मुख्य रीजन है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है नॉट अवेलेबल। अब यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट नॉट अवेलेबल है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, डीपली वीडियो स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि यदि आपके भी यूएन अकाउंट में दो या दो से अधिक पीएफ अकाउंट ऐड है, मेंबर आईडी ऐड है, या फिर कई कंपनियों का पीएफ अकाउंट ऐड है, तो आप उनका सारा पैसा किसी एक अकाउंट में किस प्रकार से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हालांकि देखिए अभी यहाँ पे ट्रांसफर करते समय जो एरर आ रहा है, यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट नॉट अवेलेबल की वजह से आ रहा है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना पड़ेगा। देखिए डेट ऑफ एग्जिट पहले क्या होता था, केवल आपका एम्प्लॉयर ही अपडेट कर पाता था, लेकिन अब जो न्यू अपडेट आया हुआ है पीएफ का, उससे आप खुद से भी अपना डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं। उस पर ऑलरेडी मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाया हुआ है कि किस प्रकार से आप सफलतापूर्वक डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं, और जैसे ही आप डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे अपडेट कर पाएंगे, सब कुछ ठीक है, तो आप इसका जो पैसा है वो दूसरे अकाउंट में, यानी कि जिस भी करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो आप कर पाएंगे सफलतापूर्वक, कोई भी इशू नहीं आएगा। फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि किस प्रकार से आप खुद से अपना डेट ऑफ एग्जिट ऑनलाइन कर सकते हैं अपने पीएफ अकाउंट का, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिए। अगर नहीं मिलता है लिंक तो आप नीचे कमेंट कीजिए, डायरेक्ट आपके कमेंट बॉक्स में उससे रिलेटेड जो भी वीडियो का लिंक है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हम इस टाइम दोबारा से अपने यूनिफाइड पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं और सेम अकाउंट पे सेम आपको देखने को मिल जाएगा, पहले डेट ऑफ एग्जिट नहीं था, लेकिन अब हम खुद से अपना डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने के बाद से अब ट्राई करेंगे और देखेंगे क्या पहले जो एरर आ रहा था क्या अब आ रहा है। तो अभी देखिए अभी जो हमने यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर दिया, पहले नॉट अवेलेबल था, आप इस वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, सेम अकाउंट है, सब कुछ सही है अपने ट्रस्ट के लिए आपको, जिससे कि ऐसा ना लगे कि मैं किसी और अकाउंट को मैं दिखा रहा हूँ और गलत बता रहा हूँ। तो ट्रस्ट भी जरूरी होता है, अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी अच्छी नॉलेज मिल जाएंगी इस चैनल पर। तो देखिए अब हम दोबारा से वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट पे जाएंगे और जैसे ही आप करेंगे, अब देखिए अभी जो एरर आ रहा था हमें नहीं आएगा, हम जैसे ही इस पे प्रेजेंट अकाउंट या फिर प्रीवियस भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट करना सही रहता है। यहाँ पे गेट डिटेल करेंगे, गेट डिटेल जैसे ही करेंगे तो देखिए अभी क्या थी, पहले डेट ऑफ एग्जिट नहीं था हमारे अकाउंट में तो एरर आ रहा था, लेकिन अब अगला प्रोसेस आप कर पा रहे हैं, तो अभी आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आप सबसे पहले अपना अकाउंट चेक कीजिए, सर्विस हिस्ट्री चेक कीजिए, जैसे कि मैं आपको कमेंट में भी बता दिया करता हूँ कि आप ऐसे कीजिए, फिर भी आपको कुछ प्रोसेस में दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। देखिए अभी प्रोसेस भी हो रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा और डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है। इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या क्या जानना चाहते थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स इस प्रोसेस में आपको कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी इशू आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका रिप्लाई जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा।
फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हुए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड और सारी वीडियो देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं, वहां पे काफी सारे लिंक्स अवेलेबल है। और यदि आपको लिंक नहीं मिल पाता है किसी कारणवश तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उस वीडियो से रिलेटेड जो लिंक है उसको डायरेक्ट आपके कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय